तो हम इस पे स्टडी कर रहे थे मॉसेस पे। तो जो मॉस होती है, मॉसेस, ये भी अनदर क्लास है ब्रायोफाइट्स की। तो जो लिवर बर्ड्स होते हैं वो तो डॉर्सल वेंट्रली अरेंज रहते हैं, बट जो मॉसेस होती है वो इरेक्ट फॉर्म में होती है। मतलब प्लांट्स में फर्स्ट टाइम जो इरेक्ट फॉर्म आती है वो हमारी मॉसेस से ही आती है। और इसमें कुछ जो ये दो स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो प्राइमरी प्रोटोनीमा होती है वो एक स्पोर से डेवलप करती है, मतलब गैमेटोफाइट स्टेज में जो स्पोर्स बनते हैं वहाँ से वो डेवलप करती है। और ये सिंपल मतलब ब्रांचेस ब्रांचेस में होती है और क्रीपिंग फॉर्म में होती है, मतलब नेटिव होती है। और जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है वो इरेक्ट फॉर्म में होती है। तो ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आप ये आते हैं इसके राइजॉइड्स, राइजॉइड ये क्रीपिंग प्राइमरी प्रोटोनीमा है, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा। और ये कुछ इस तरह से सेकेंडरी प्रोटोनीमा का है। यहाँ पे कुछ लीफ अटैच रहती स्पायरली अरेंज लीव रहती है, तो इसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट स्टेज। और जो ये होता है इसको बोलते हैं हम स्पोरोफाइट। दिस इज कैप्स्यूल। जो कैप्सूल होता है उसको बोलते हैं हम स्पोरोफाइट, और जो इसकी प्लांट बॉडी होती है उसको बोलते हैं हम गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में आपके मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे सिंपल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाता है, और बडिंग होती है उनके थ्रू हो जाता है, या प्रोटोनीमा जो माइसीलियम होते हैं फंगस के, फंगस देखिए कुछ फंजाई होता है, कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस तरह से उसके क्या होते हैं माइसीलियम, माइसीलियम या जिसको हम बोलते हैं हाइफी या माइसीलियम। तो प्रोटोनीमा जो स्ट्रक्चर्स होता है ब्रायोफाइट्स का, मॉसेस का, वो कुछ हाइफी की तरह ही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिंपल होता है। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो गया, एक तो हो जाता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग हो गया, एक प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन, यहाँ से अगर कोई भी पार्ट्स इसका मॉस का ब्रेक करा तो उसने न्यू मॉसेस को डेवलप कर देता है। यहीं से कोई बर्ड निकली, उसने न्यू इंडिविजुअल को डेवलप किया, या प्रोटोनीमा ब्रेक किया तो उसने न्यू इंडिविजुअल को वो डेवलप कर देता है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है हैप्लोडिप्लोइडिक साइकिल है, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन, फिर स्पोरोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहता है, अपने फूड के लिए या नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इनसे। तो जो मॉस की लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और प्रोटोनीमा से होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एंथेरोजॉइट और आर्चिगोनियम के थ्रू होता है। एंथेरोजॉइट्स में एंथ्रोजॉइट बनते हैं एंथ्रीडियम में, और एग सेल बनता है आर्चिगोनियम में। तो एंथेरोजॉइट्स से क्या बनेगा, एंथेरोजॉइट से देखिए ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम में बनेगा एंथेरोजॉइट, एंथेरोजॉइट्स। और जो आर्चिगोनियम होती है आर्चिगोनियम में बनता है एग, ये बाईफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइट्स होते हैं। ये आर्चिगोनियम के पास आएंगे, फ्यूज करेंगे और
डिप्लॉइड जायगोट बनाएंगे। तो जायगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड ये डिवाइड नहीं करेगा और अपनी सेल्स को इंक्रीज करेगा और स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट का क्या करेगा? ये फॉर्मेशन करेगा। इस स्पोरोफाइट में क्या होता है? कैप्सूल। तो जो स्पोरोफाइट होता है मॉसिस का या फ्यूनेरिया का, तो वो होता है इसका कैप्सूल। जो कैप्सूल है वो क्या है? इसका स्पोरोफाइट है और ये अटैच रहता है कैप्सूल कैप्सूल अटैच रहता है गैमेटोफाइट पे। तो जो कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। अभी यदि मैंने इस तरह से कोई ये डायग्राम बनाया था, ये क्या है इसका कैप्सूल और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये क्या है कैप्सूल और इस तरह से यहाँ पे क्या होती है लीव्स। तो ये क्या है? स्पोरोफाइट अटैच रहता है गैमेटोफाइट्स पे और कैप्सूल इसका क्या है? स्पोरोफाइट। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, बेसिकली आपके सिलेबस में तो इतना नहीं है कि सिंपल कैप्सूल बताया गया है, बट कभी कभी एग्जाम में वो कैप्सूल का स्ट्रक्चर बनाने को भी दे देता है। तो कैप्सूल में क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पर ही कैप्सूल क्या बस्ट करता है, टूट जाता है, बस्ट कर जाता है और इसमें से स्पोर फ्री हो जाते हैं। स्पोर फ्री हो जाते हैं और फिर इस तरह से ये हैप्लॉइड लाइफ साइकिल को दोबारा से ये कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं स्पोर का कैप्सूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये आपकी बुक में तो नहीं दिया गया है बट आपकी नॉलेज के लिए है, आप इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी कर सकते हैं। कैप्सूल में फुट सीटा कैप्सूल होता है स्पोरोफाइट। अगर हम इसका स्पोरोफाइट देखें, स्पोरोफाइट डेवलप करता है फुट सीटा और कैप्सूल में, और गैमेटोफाइट में इसकी प्लांट बॉडी होती है, कॉलोइड फाइलोइड और राइजॉइड्स आते हैं, वहीं पे आर्चिमोनियम और एंथ्रीडियम आती है। अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो उसमें फुट सीटा और कैप्सूल आता है। फुट जहाँ से वो अटैच रहता है गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, सीटा एक इलोंगेटेड पोर्शन और कैप्सूल स्वेलन पार्ट। अब देखिए जो इसका कैप्सूल होता है कुछ इस तरह से होता है। ये रफली डायग्राम है, आप इसको एज अ नॉलेज बना सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछने के लिए आ जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरह से इसकी सेल्स प्रेजेंट होती है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता है। इस पुरुष यहाँ पे पूरे में इसी तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं एपोफाइसिस। एपोफाइसिस दिस इज थीका एंड दिस इज कॉल्यूमेला। यहाँ पे कुछ इस तरह से 16 से 32 तक टीथ प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टोम। पेरिस्टोम तो देखिए इसके कैप्सूल के 3 पार्ट होते हैं। जो लोअर पोर्शन होता है जो कि कैप्सूल जहाँ से अटैच रहता है, मतलब जहाँ पे कैप्सूल है उसका इलांगेटेड सा हल्का सा पोर्शन, दिस इज एपोफाइसिस, स्वेलन पोर्शन थीका, और फिर आगे की तरफ का जो पोर्शन होता है दिस इज कॉलोमेला।
कॉलम में जैसे आगे की तरफ एक ओपनिंग जैसी होती है, वहाँ पे टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम पेरिस्टोम। तो ये 16 से 32 तक हो सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। दिस इज स्पोर्स। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आई तो जो ये पेरिस्टोम है ये इस तरह से ओपन होता है। अभी तो ये क्लोज है, ये इस तरह से जो पेरिस्टोम है ये ओपन होगा और यहाँ से क्या होंगे, जो स्पोर्स हैं वो रिलीज कर जाते हैं, स्पोर्स डेवलप करते हैं, सॉरी स्पोर्स बनते हैं स्पोर मदर सेल में, और यहीं पे इनका रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट होता है और स्पोर मदर सेल से स्पोर का फाइनली फॉर्मेशन हो जाता है और फेवरेबल कंडीशन आने पर पेरिस्टोम ओपन होता है और यहीं से स्पोर रिलीज होके फिर वही प्लांट बॉडी प्रीडोमिनेंट जो इसकी गैमेटोफाइट स्टेज है उसको डेवलप करते हैं। तो देखिए इस ये आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इस डायग्राम को आप नोट भी कर सकते हैं कि कैप्सूल किस तरह, कैप्सूल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एपोफाइसिस कहाँ होता है, थीका कहाँ होता है, पेरिस्टोम किस सब होते हैं, पेरिस्टोम में कितना नंबर होता है, पेरिस्टोम का जैसे कि 16 से 32 तक पेरिस्टोम का नंबर होता है। तो जो ये कैप्सूल है लिवर वर्ट में इतना एलोबरेटेड नहीं होता जितना कि मोसिस का होता है और ये एग्जाम में कभी कभी आपके पूछने के लिए भी आ जाता है। और जब यहाँ से स्पोर बन के फिर ये दोबारा से इसकी गैमेटोफाइट लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ आपका मोसिस भी कंप्लीट हो गया। मोसिस में आपकी बुक में दो एक एग्जांपल दिए गए हैं जैसे कि फ्यूनेरिया स्फैग्नम पॉलीट्राइकम, ये सब आपके किसके मोसिस के एग्जाम्पल हैं। और अब आपके देखिए एल्गी और ब्रायोफाइट कंप्लीट हो चुके हैं, हम टेरिडोफाइट को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं।